बाद आप पिक्चर देखने लैला मजनू आए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू पाल, आज मैं नरंग में हूँ। आज लैला मजनू लगी है चिंटू जी का, अक्षरा जी हैं। इस फिल्म का बिहार में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और टाइटल काफ़ी अच्छा है और फिल्म का रिस्पांस काफ़ी अच्छा सुनने को मिल रहा है। बात किया जाए गाने का, तो गाना इसमें कैसा लगा आपको? आप पिक्चर देख चुके हैं। देखिए गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, फिल्म भी अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है, फिल्म की कहानी अच्छी है और इसमें सारे चिंटू जी हो गए, अक्षरा जी हो गए और विलेन में जैसे कि अपना टीनू वर्मा जी हैं, काफ़ी मिला जुला के पिक्चर काफ़ी अच्छी बनी है। अक्षरा जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अक्षरा जी का अभी एक भोजपुरी पब्लिक अच्छा क्रेज बना हुआ है, बिल्कुल एक अलग हट के, कि मतलब भोजपुरी में पहली बार ऐसे एक एक्ट्रेस है, एज ए सिंगर एक्ट्रेस, मतलब काफ़ी भोजपुरी में छाई हुई है, बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस है। चिंटू पांडे जी तो बिल्कुल अलग सदाबहार और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी अच्छा एक्टिंग, डांस बढ़िया है चिंटू जी का। 5 स्टार में से मतलब फिल्म अच्छी है तो ऑब्वियसली 5 स्टार ही मिलेगा, फुल। जी मेरा नाम बिरजू पाल है, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ और मैंने अभी एक मेरी हिंदी फिल्म आने वाली है अब की कसम हिंदी, इससे पहले मैंने भोजपुरी भी काफ़ी किया है और अभी एक नेक्स्ट मूवी मेरी आ रही है हिंदी, शूट करने जा रहा हूँ मार्च में, फिंगरप्रिंट, एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और कोशिश करूंगा कि कुछ इस फिल्म में अच्छा दर्शकों को देखने को, गाना सुनने को मिले, पिक्चर अच्छा देखने को मिलेगा। ये मेरी अभी लेटेस्ट जो अब की कसम है, एक लव स्टोरी फैमिली ड्रामा फिल्म है, ये मार्च एंड तक का फिल्म थिएटर में आएगी। ये हमारी फिल्म का लोकेशन मुंबई गुजरात का है और काफ़ी अच्छा प्यारा सुंदर लोकेशन है, जैसे कहानी का डिमांड है उस तरीके से हमने लोकेशन को यूज़ किया है। गाने अभी जो मेरे फिल्म रिलीज होने वाले हैं, इसमें कुमार सानू जी ने टाइटल सॉन्ग गाया है, मोहम्मद अजीज जी का भजन है और काफ़ी प्यारा सॉन्ग है, सारे गाने काफ़ी अच्छे हैं। ये एक्चुअली दर्शकों को मतलब इसमें पुराने जो 90 के दशक में जो कहानी हुआ करते थे, 2 भाई का जो गाने हुआ करते थे, वो चीज़ देखने को मिलेगा, मतलब वो आज का और पहले का दोनों मिला हुआ है इसमें कहानी। भोजपुरी और हिंदी दोनों साथ? जी बिल्कुल। भोजपुरी आपकी कौन-कौन सी मूवी है? नहीं, भोजपुरी एक मेरी बिहार वाले सैया, मैंने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट भोजपुरी किया था और माँ के असिस्टेंट में मैंने काफ़ी किया है, चिंटू जी का दीवाने पिक्चर है, त्रिशूल कल्लू का पिक्चर है, असिस्टेंट में मैंने किया है और बाकी अभी तैयारी चल रही है, आगे करेंगे। बात करिए आपका हिंदी और भोजपुरी को लेकर आपको? देखिए दर्शक तो सेम ही है, बट दर्शक को अच्छा चीज़ बना के देंगे तो उनको क्या पसंद है सब उनके ऊपर है, भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो। आज बड़ी बजट की हिंदी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है, उनके मतलब उनको अच्छा लगना चाहिए कि कहानी अच्छे है, गाने अच्छे हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं हम अच्छा बनाएं, लेकिन सारा रिजल्ट पब्लिक के हाथ में होती है। सर होली का हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बढ़िया है भाई, गाना भी अच्छा लगा, मस्त है, उनका भी मस्त है। अरे सबका मस्त है भाई, हाँ। 5 स्टार में से कितना स्टार दोगे? हाँ 5 स्टार में से कितना स्टार दोगे? मैं अरे बहुत है, 5 नंबर में से कितना नंबर दोगे? मैं 5 का 5 नंबर दूँगा, हाँ। काफ़ी टाइम बॉम्बे में आपकी लगी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में पहली बार मैं एक पॉजिटिव भूमिका कर रहा हूँ और बहुत इमोशनल रोल कर रहा हूँ, अक्षरा सिंह के चाचू जान का, और पूरे जहाँ जहाँ ये फिल्म रिलीज़ हुई है बिहार झारखंड में तालका मचा रखा है। अभी तीसरे हफ्ते में है और वहाँ सुना है चारों शो फुल जा रहे हैं और ऐसी ही रिपोर्ट मुझे यूपी से और दिल्ली से और महाराष्ट्र में भी आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शक लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही फिल्म को प्यार देते रहिए, देखते रहिए, शुक्रिया। चिंटू बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं और अक्षरा ने भी बहुत अच्छा काम किया है और मैं कहता हूं कि इस फिल्म में जितने भी अदाकार हैं सबने अपना 100% देने की कोशिश की है और तभी जाके एक अच्छी फिल्म बनी है। एक आदमी से फिल्म अच्छी नहीं बनती है, जब सभी लोग मिलकर अच्छा काम करते हैं, इट्स ए टीम वर्क। जब टीम वर्क अच्छा होता है तो फिल्म अच्छी होती है और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पूरे परिवार के साथ देखिए, साफ़ सुथरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, आपको कहीं भी कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगी, अच्छे गाने हैं, कर्णप्रिय संगीत है, देखिए, ज़रूर देखिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.